महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की जो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर देश भर के खिलाड़ी आए हैं और इस वक्त हमारे साथ जो टीम मौजूद है, गुजरात की टीम है वहाँ पर, और खिलाड़ी जो मौजूद हैं हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से उन्होंने इसकी शुरुआत की है। जी, क्या नाम है आपका, कौन से विश्वविद्यालय से हैं आप? मैं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी से हूँ और मेरा नाम शैली कामदार है, और हमने इंटर डिपार्टमेंट कॉम्पिटिशन से स्टार्ट किया था कॉलेज में ही। लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, लास्ट ईयर भी आई के लिए आए थे, इस साल भी आए हम लोग। यहाँ छतरपुर आई हैं तो क्या कहें, अभी तो अच्छा ही लग रहा है, अभी कल खेलेंगे तो पता चलेगा कैसा मैच है, कैसी टीम्स है। और भी कहाँ कहाँ खेले आई हैं, कई राज्यों में और भी कहाँ कहाँ? लास्ट ईयर हम लोग अमरावती गए थे महाराष्ट्र AIU के लिए। आपका क्या नाम है? राठौड़ कोमलबा। उसी यूनिवर्सिटी से आप? हाँ, हम सेम यूनिवर्सिटी से सब। क्या कहेंगे कबड्डी को लेकर, कब से आप खेल रही हैं, यहाँ पर आई हैं? हमने खेलना 2 साल पहले स्टार्ट किया था इंटर डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी से, और अगली बार भी हम आए थे नेशनल्स खेलने, दूसरी बार ही हमारा। कैसे शुरुआत की थी आपने? मतलब हम इंटर डिपार्टमेंट गेम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग फैकल्टीज़ की, तब से स्टार्ट किया था खेलना, और फिर हमने खेल महाकुंभ और ये नेशनल्स। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनप्रीत कौर है, मैं भी मारवाड़ी यूनिवर्सिटी से ही हूँ। मेरा भी सेम ही है, हम लीग मैचेस खेलते थे, टूर्नामेंट, अभी आने वाला खेल महाकुंभ भी है, फिर अमरावती भी गए थे लास्ट ईयर, एंड अभी यहाँ पे छतरपुर। स्कूल में भी खेला करते थे, मतलब इंटरेस्ट पहले से ही था, तो फिर मतलब ऐसा लगा कि हाँ जाना चाहिए, और फिर सिलेक्शन होते हैं काफ़ी सारे, हर लीग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग। प्रतियोगिता को लेकर क्या कहेंगे कि पूरे देश भर के खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं और लड़कियों की प्रतियोगिता है, तो क्या कहेंगे? लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे लोग, टफ कंपटीशन है, लोग बोलते हैं ना कि लड़की नहीं कर पाती, लेकिन इधर ऐसी ऐसी लड़कियाँ कि लड़कों को भी पीछे करके रखा है, तो बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन है, सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ आकर कैसा लगा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है और खिलाड़ी भी अच्छा है, यूनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्लेयर्स में तो होती ही है। पहले कबड्डी को लोग इतना ज़्यादा महत्व भी नहीं देते थे, और अब एक ज़्यादा प्रोफेशनल भी हो गई है, लोग ज़्यादा पसंद भी करने लगे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि सर पहले गांव में हुआ करती थी, और गांव में बहुत ज़्यादा टेलीविज़न और न्यूज़, मतलब इतनी कम्युनिकेशन नहीं थी, पर अभी क्या है, सिटी में मैट पे और कॉम्पिटिशन्स होने लगे, लीग टूर्नामेंट वगैरह, तो उसकी वजह से ना कॉम्पिटिशन हाई हो रहा है, और हर जगह से लोग आते हैं सेलेक्टेड होके, इसको मतलब नेशनल गेम एक बना दिया गया है, और ऐसा बोलते थे ना कि मतलब गांव के लोग कुछ नहीं कर पाते, तो इधर सेलेक्ट होके सब वो वही आ रहे हैं, और गांव का कंपटीशन बहुत मतलब हाई जा रहा है, यानी गांव का नेशनल स्तर पर पहुंच चुका है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की नहीं कर पाएंगी, और गांव वाले लोग नहीं कर पाते, सिटी के ही कर पाएंगे, पर अभी ऐसा सब चेंज हो गया है। आपका क्या नाम? मेरा नाम तिशा माव है, मैं भी मारवाड़ी यूनिवर्सिटी गुजरात से ही आई हूँ, और मैं भी ऐसे ही, पहले मैंने कभी खेला नहीं था, मैंने कॉलेज आई फिर इंटरेस्ट हुआ, वहाँ पे सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे, तभी से मैंने खेलना स्टार्ट किया। पिछले साल टीम आई थी हमारी, मेरा ये पहली बार है यहाँ पे आना। कहाँ पिछली बार यहीं आई थी टीम? नहीं, महाराष्ट्र गई थी, AIU के लिए ही आई थी, हम अमरावती में यहीं पे आई थी टीम, और मैं नहीं थी टीम के साथ, मेरा ये पहली बार है यहाँ पे। यहाँ पहली बार आई है कि आप टीम में ही? पहली बार टीम में ही मैं पहली बार। कैसे अनुभव आपके रहे हैं पहली बार? पहली बार बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके पता चल रहा है कि कितने एबल लोग हैं यहाँ पे, और एक जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है लोगों के लिए, तो उससे ज़्यादा तुमको मोटिवेशन मिल सकता है कि आगे तुम जाओ और खेलो, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मेरा पहली बार है। आपका? हाँ जी, नमस्कार, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, और हमारे सारे प्लेयर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। मेरा नाम पुष्पा कोच है। आप? हाँ, बहुत कोच नहीं हूँ मैं, आई एम जस्ट अ प्लेयर, सी इज़ अ कैप्टन ऑफ माई टीम, एंड यहाँ आके जो फील हो रहा है कि एक शब्द है ना आमिर खान की मूवी है दंगल, कि मारी छोड़िया छोड़ो से कम है के, तो साफ दिख रहा है, आप देख सकते हो आप लोग कि इधर हर चीज़ को एक एबिलिटी के रूप में नहीं, इससे जेंडर बायस नहीं है, जो लड़के कर सकते हैं वो भी लड़कियाँ भी कर सकती है, एंड मैंने बिहार लेवल पे खेला है गेम ऑल इंडिया में, एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि हम अपने मारवाड़ी यूनिवर्सिटी से यहाँ खेलने के लिए आए हैं, और यहाँ का जो महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी है काफ़ी, आई थिंक उनका व्यवस्था हर चीज़ में काफ़ी सही है, और वो बहुत अच्छा कर रहा है, आई थिंक कबड्डी को और गर्ल्स के लिए वो काफ़ी सही स्टेप है, जो कि होना चाहिए।
लड़कियां सिर्फ खाना बनाने और उसके लिए नहीं है, सब कुछ लड़कियां हर सेक्टर में जा सकती है और कर सकती है। दे ऑल ये सारे हैं जो इस बात का सबूत है कि वो अपने माँ बाप की बेटी नहीं बेटा भी है। तो हमारे साथ ही गुजरात की टीम मौजूद थी, जहां पर जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बताया है कि हमारी छोरी छोरों से थोड़ी ना कम है, और जो खिलाड़ी हैं उनको छतरपुर में अगर अच्छा लगा है और विशेष रूप से खेल को लेकर उत्साह है। प्रिप्रेम के लिए संजय अवस्थी छतरपुर।